सो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके कॉन्टैक्ट में जो भी एक कॉन्टैक्ट सेव है वो किसी भी एक कॉन्टैक्ट को आप ऐड करना चाहते हैं, किसी का भी कॉन्टैक्ट हो या फिर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप में आपका कॉन्टैक्ट है जिसे आप ऐड करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको ये वीडियो फुल वॉच करना होगा ताकि आप जान सके कि आप कोई भी कॉन्टैक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे बताऊंगा, आपको यहाँ पे मेरा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, वो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर कोई भी नुकसान करने वाला वो एप्लीकेशन नहीं है, आप इजीली यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हर किसी मोबाइल फोन में वर्क करेगा। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, नाम इसका है हाइड फोन नंबर कॉन्टैक्ट, इसके आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसे ओपन करते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को कैसा फर्स्ट इंटरफेस लुक देखने को मिलता है। ओपन करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा डिस्क्लेमर का, आपको सिंपली एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज वाले सेक्शन पे चले जाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे जाकर अलाउ कर देना जो भी कॉन्टैक्ट मांगेगा, और यहाँ पे एक ऐड शो करेगा उसको भी आपको यहाँ पे स्किप कर देना। जब स्किप का ऑप्शन आएगा, स्किप वीडियो पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे कट करते हैं, और यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट का सेक्शन खुल चुका है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट में जाकर दिखाना चाहता हूँ कि पहले से वो कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल फोन में है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे अंकित नाम का एक सर्च कर लेता हूँ। अंकित फ्रेंड नाम का यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट दिख रहा होगा, इसे मैं ऐड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सारा रनिंग एप्लीकेशन को हम लोग सिंपली क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ऐड वाले उस एप्लीकेशन के अंदर चले जाना जो कि मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था। उसके बाद आपको क्या करना, आप यहाँ पर देखना, उसके बाद फिर आपको मैनेज वाले सेक्शन पे चले जाना, फिर आपको कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे चले जाना और फिर से ऐड शो होगा, उसे आपको देख लेना थोड़ा सा। और जब स्किप का ऑप्शन आता है हम लोग इसे फिर से स्किप कर देते हैं और यहाँ पे हमारा फिर से कॉन्टैक्ट आ चुका है। यहाँ पे आप लोग को सर्च कर लेना वो कॉन्टैक्ट जो कि आप हाइड करना चाहते हो। तो यहाँ पे अंकित में सर्च करता हूँ और अंकित फ्रेंड नाम का एक कॉन्टैक्ट आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको ऊपर राइट कॉर्नर में अप साइड आपको टिक का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको सिंपली टिक वाले पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं अपने कॉन्टैक्ट में कि यहाँ पर हाइड हुआ है कि नहीं, हमारा अभी भी शो कर रहा है कि नहीं। ये देख सकते हैं मैंने आपको जब पहले दिखाया था तो कॉल हिस्ट्री में यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन कॉल हिस्ट्री से भी यहाँ पे गायब हो चुका है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाकर। तो चलिए हम लोग सर्च कर लेते हैं यहाँ पे अंकित नाम से, तो अंकित फ्रेंड के नाम से यहाँ पे जो पुराना कॉन्टैक्ट शो कर रहा था वो अब शो नहीं कर रहा है। तो अब आपको ये कैसे निकालना है फिर से आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि गाइस आपके सिर्फ एक क्लिक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले फिर हम उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं वो कॉन्टैक्ट को देखने के लिए जो कि आपने हाइड करके रखा था। सेम प्रोसीजर है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट करना पड़ेगा। तो फिर से हम वीडियो को स्किप करते हैं और यहाँ पे मैनेज वाले पे चले जाते हैं, फिर सिक्वेयर पे चले जाते हैं और उसके बाद आपको इसके अंदर आपको जो हाइड कॉन्टैक्ट है वो शो करेगा, चाहे जितने भी कॉन्टैक्ट आपने हाइड किया यहाँ पे सारा शो करेगा। और कॉन्टैक्ट वाले जो मेन कॉन्टैक्ट का सेक्शन है फोन में जो इनबिल्ड आता है वहां पर से हाइड हो चुका और किसी को भी शो नहीं होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।